जय हिंद। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है क्लास टेंथ की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 22 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 3.5 जो एक्सरसाइज है वहां तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जब सभी वीडियो हमारे कम्प्लीट हो जाएंगे तो इस चैप्टर के पूरे जितने भी वीडियो है सभी के पार्ट वाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.6 है उसमें जो क्वेश्चन है इस प्रकार से हमें दिए गए हैं, जहां पर हमें कहा गया है निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इस प्रकार से हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। सबसे पहला काम तो हमें यह करना है कि जो समीकरण हमें दिए गए हैं उन्हें रैखिक समीकरणों में बदलना है, रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। किस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 1/2x + 1/3y = 2 दिया गया है, यहाँ पर 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए यहाँ पर जो 1/x है और यहाँ पर 1/y है, इसे हमें u और v मानना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, p और q भी मान सकते हैं, u v कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि इन चरों के बदले में हम कोई दूसरा चर रखेंगे और बाद में जब u और v के मान आएंगे तो u हमने किसने माना था और v हमने किसे माना था, उन दोनों के बराबर मान रख के हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में इसका देखिए मेथड क्या रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे 1/x बराबर यहां पर u तथा 1/y बराबर v प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जहां पर 1/x होगा वहां पर u रखेंगे, 1/y होगा वहां पर v रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है जो दो प्रकार से हमें दिए जाएंगे, या तो हमें जो संख्याएं हैं जो गुणांक है 1/x 1/y के, तो यहाँ पर दोस्तों कोफिशियंट होते हैं वो या तो बटे में दिए रहेंगे या ऊपर दिए रहेंगे, तो दोनों स्थितियों में अलग अलग मान रखने। अगर यहाँ पर अंश में यानी कि नोमिनेटर में दिया जाता है इसका गुणांक तो वहां पर हमें ऊपर रखना है, नहीं तो नीचे दिया जाता है तो नीचे रखना है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 के लिए हम कर रहे हैं, इस समीकरण के लिए नंबर हम इसे बाद में देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/x है, इसे हम u रख देंगे, तो 2 है जो इसके बटे में है, तो u है जो ऊपर रखा जाएगा 2 इसके बटे में आएगा। प्लस यहां पर हमें दिया गया 1/3y, तो 1/y की जगह तो हम v प्रतिस्थापित कर देंगे लेकिन 3 इसके बटे में रहेगा, तो ऊपर v रखेंगे नीचे 3 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से हमें मान चेंज करने हैं। अब यहां पर देखिए हम इसे सरल कर सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पर दोस्तों LHS में हम इनके अगर LCM लेते हैं तो 2 और 3 के LCM होते हैं 6। तो अब यहाँ पर हम इसे LCM लेके हल करेंगे, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा u से कराएंगे 3u हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2 बार, 2 का गुणा v से तो 2v बराबर यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर देखिए 6 का गुणा 2 से होगा क्योंकि वज्र गुणा हम कराएंगे इसके बटे में 1 रखें, तो 6 का गुणा 2 से 12 है, यानी कि 3u प्लस 2v बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये जो समीकरण बना है ये समीकरण रैखिक समीकरण बन गया है, इसे हम 1 नंबर दे देते हैं जो यहाँ पर हमारे पहले वाले समीकरण से बना है। अब एक हमें समीकरण और ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि 1/x हमने u रखा है, 1/y हमने v रखा है, तो जब हम u और v के मान ज्ञात कर लेंगे तो लास्ट में हम x और y के मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण के लिए हम देखें तो 1/x की जगह तो हम u रख देंगे और बटे में 3 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे u बटे 3 प्लस यहां पर हमें दिया गया 1/2y, तो 1/y की जगह तो हम v रख देंगे और 2 है जो इसके नीचे रहेगा, तो v बटे कितना आएगा 2, बराबर में चल रहा है 13/6। इसे भी इस तरीके से सोल्व कर देते हैं तो 6 एलसीएम आएंगे, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा u से 2u प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा v से 3v बराबर 13/6। अब यहाँ पर दोस्तों 6 और 6 दोनों बराबर है, यहीं पर आप कटा सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 6 का गुणा 13 से कराइए, 6 का गुणा 2u प्लस 3v से कराइए, बाद में कटा दीजिए या सीधा कटा दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2u प्लस 3v बराबर 13, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को बना लिया है। अब दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से, वज्रगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से किसी से भी सरल करके u और v के मान ज्ञात कर लेंगे। अब u और v के जब मान ज्ञात हमें हो जाएंगे तो u के बराबर हम 1/x को रखेंगे, v के बराबर 1/y को रखेंगे और x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं दोनों समीकरण जो हमने ज्ञात किए वो रख देता हूँ और बाद में हम इसे सरल करके u और v के मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो 2 समीकरण बने थे मैंने ऊपर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसे विलोपन विधि से या वज्रगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, तीनों विधियों में से किसी से भी आप हल कर सकते हैं, u v के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम विलोपन विधि अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि से,
यहाँ पर देखिए विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना होता है, किसी एक मान को यानी कि कोई चर है जिसका एक मान इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम यू को कर रहे हैं इक्वल, तो यू के लिए देखिए 3u आया है, यहाँ पर 2u है, तो अगर हम समीकरण ए को 2 से गुणा करा दें तो देखिए क्या होगा, 2 का गुणा 3 से 6u हो जाएगा, और अगर समीकरण 2 को 3 से गुणा करा दें तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का गुणा 2 से यानी कि 6u, यानी कि u वाला जो पद है, जो टर्म है, वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, जिससे हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे या 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर ये वाला पद कटेगा, केवल v का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होगा समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा कराने पर। जब यहाँ पर दोस्तों हम गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा, इसे हम 2 से गुणा करा रहे हैं, इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है मेथड में, सीधा आपको ये लिख के गुणा करा देना है। तो 2 का गुणा देखिए 3u से कराएंगे, 6u हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कराने का अर्थ यह है कि बराबर वाले पद को उधर से भी गुणा कराना है, इधर से भी गुणा कराना है। तो 3 का गुणा 2 से 6u, 2 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 4, तो 4v इसके साथ में है, बराबर में देखिए 12 का गुणा भी हमें 2 से कराना होगा, कितना होगा 24। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे भी समीकरण आप दे सकते हैं, 2 समीकरण हमारे पास है, ये तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे समीकरण को हमें 3 से गुणा कराना है, तो 3 का गुणा 2 से हम कराएंगे, 6u होगा, ये गुणा हमने कराया है इन पदों को इक्वल करने के लिए, प्लस 3 का गुणा 3 से 9 और v साथ में है, 13 का गुणा 3 से कराएंगे 39 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए हमें एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाना है, तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को आप घटा सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर। तो जब हम समीकरणों को घटाएंगे तो 4 नंबर को हम ऊपर लिख देते हैं, 6u प्लस 9v बराबर 39 होगा, और 3 नंबर को इसके नीचे लिख देते हैं, 6u प्लस 4v और बराबर में है 24। घटा देने पर हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का है माइनस का होगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो 6u से 6u कटेगा। यहाँ पर देखिए 9v है जो प्लस के हैं, 4v है माइनस के, घटाएंगे कितना बचेगा 5v, और ये किसका होगा, प्लस का, क्योंकि 9v प्लस के थे। अब यहाँ पर दोस्तों 39 है जो प्लस के हैं, 24 माइनस के, घटाना होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 15 बचेगा, और वो भी प्लस का। अब देखिए वी का मान यहाँ से कितना आ रहा है, वी का मान अगर हम देखें तो 5 है जो 15 के बटे में जाएंगे, यानी कि 15/5, और ये मान होगा 3, यानी बी हमारा कितना आया है, 3 आया है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम यू का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो हमारे पहले समीकरण है, समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, इनमें रख के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुविधा के लिए हम एक नंबर समीकरण में रख लेते हैं, क्योंकि संख्याएं छोटी हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में वी का मान रखने पर। यहाँ पर दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा मेथड लिख रहा हूं, अब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके से नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम समीकरण बनाएंगे और घटाना और जोड़ना होगा तो समीकरणों को डायरेक्ट जोड़ के मान ज्ञात करेंगे। तो एक का मेथड मैं आपको लिखा रहा हूं, बाद में आप मेथड खुद समझ के लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम समीकरण 1 में वी का मान रखते हैं, समीकरण हमारे पास है 3u प्लस 2v, वी का मान हमारे पास था 3, तो 3 हमने रखा, बराबर में कितना है 12 है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए 3u प्लस ये हो जाएंगे 6 और बराबर में 12, 6 को उधर पक्षांतरण कर देंगे तो 3u बराबर 12 माइनस 6 यानी कि कितना बचेगा 6। अब हमें u का मान चाहिए तो 6/3, क्योंकि 3 इसके गुणा में है, तो u का मान कितना आ जाएगा 2, तो u हमने ज्ञात कर लिया 2 आया है, और v कितना था 3 था। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमें जो समीकरण दिए गए थे वो x और y में थे, इसलिए हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए u हमने किसे माना था, u हमने माना था 1/x को, तो यहाँ पर देखिए u का मान कितना आया, 2 आया है, तो 2 बराबर 1/x होगा, x का गुणा 2 से हम कराएंगे, 1 का गुणा 1 से, यानी कि 2x बराबर 1, और x का मान यहाँ से कितना आएगा 1/2, इसका मान 1/2 आ रहा है। y का हम ज्ञात करेंगे तो y हमने किसे माना था, v को माना था, 1/y v के लिए हमने लिखा था, तो v का मान यहाँ से हम देखेंगे 3 आया है, तो 3 बराबर 1/y, यानी कि y का अगर मान हम देखें तो 3y बराबर 1, या y हम लिख सकते हैं 1/3, तो 1/3 y होगा, 1/2 x होगा। प्रकार से दोस्तों जब इक्वेशन हमें इस तरीके से दिए जाते हैं, जिन्हें रैखिक समीकरणों में चेंज करके मान ज्ञात करना होता है, तो वहां पर 1/x या कुछ भी दिया रह सकता है, 1/x प्लस वाई हो सकता है, x माइनस वाई हो सकता है, तो उसे हमें मानना है और बाद में हल करना है। तो ये इसका मेथड रहने वाला है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें इस प्रकार से इक्वेशन दिए गए हैं, 2/√x + 3/√y = 2 है, 4/√x - 9/√y = -1। यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि इन्हें एक चर के रैखिक समीकरण में बदलना है, तो उसी तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए हम क्या रखेंगे, 1/√x के लिए हम v रख लेंगे या u रख लेंगे, और 1/√y के लिए हम v रख लेंगे। u भी आप किसी को भी रख सकते हो, pq रख सकते हो, कोई भी, जैसा कि मैंने बताया अदर चर आप रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें हल करना है, तो हल में हम लिखेंगे दी गई रैखिक समीकरण युग्म, तो ये हम पहले लिख देंगे और बाद में हम लिखेंगे 1/√x = u तथा 1/√y = हम लिखेंगे V। यहां पर आप लिख सकते हैं रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापित अगर हम इसमें करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर गुणांक यानी कोफिशियंट अगर बटे में इसके दिया गया है, जैसे यहाँ पर 1/2 दिया रहता, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो u हमने माना है इसे ऊपर रखते, 2 को नीचे रखते, लेकिन अगर ये ऊपर दिया रहता है 1/√x का मान सीधा u लगाना है तो 2 के गुणा में u आएगा। तो पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर देखिए 3 के साथ में हमें क्या करना है, 1/√y को हम रख देते हैं v, तो 3v हो जाएगा बराबर में 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से उसको करेंगे तो यहाँ पर 4 के गुणा में है 1/√x, तो √x का मान कितना है, 1/√x का u है, तो ये हो जाएगा 4u। आगे हमें दिया गया माइनस 9 है, तो 9 के बटे में √y है, जिसे हमने माना 1/√y को कितना v, तो यहाँ पर हम लिखेंगे v और ये हो जाएगा -1 के बराबर, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए विलोपन विधि वज्र गुणन विधि किसी से भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4u है और यहाँ पर 2u है, तो अगर इस समीकरण को हम 2 से गुणा करा दें पूरे को, तो यहाँ पर 4u हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो समीकरण है उसे हमें गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है, विलोपन विधि से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा कराने पर, तो मैं यहाँ पर मैंने बताया कि मेथड में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर मैं सीधा गुणा करा रहा हूँ 2 से इसका, तो ये हो जाएगा 4u + 6v = 4, क्योंकि 2 से पूरा गुणा कराया, 2 का गुणा 2 से 4, u साथ में आया, प्लस 3 का गुणा 2 से 6, v साथ में आया, और 2 का गुणा 2 से कितना 4, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 आप इसे दे सकते हैं। और देखिए चौथा जो समीकरण हमारा है वो है 4 - 9v और बराबर में है -1। तो ये दोस्तों समीकरण हमने है जैसा का जैसा रखा है, तो इसे आपको नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना है मेथड में इसके कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहाँ पर हम घटा देते हैं, देखिए घटाएंगे तो ये माइनस का होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो जब घटाते हैं चिन्ह चेंज होते हैं जिस समीकरण को हमने नीचा रखा है उस पूरे समीकरण के। यहाँ पर दोस्तों देखिए 4u से 4u को हम घटा देंगे क्योंकि जो चिन्ह है वो असमान है। यहाँ पर देखिए जो 9v है वो अब प्लस के हो चुके हैं और 6v पहले से प्लस के थे, तो 9 और 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15v। यहाँ पर देखिए 4 है जो किसके थे, प्लस के, एक माइनस का था लेकिन चिन्ह जब चेंज हुआ तो प्लस का हुआ, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो v का यहाँ से मान कितना आएगा 5 के बटे में जाएगा 15, तो 5 5 से एक बार कटेगा, 15 3 बार कटेगा, यानी कि v कितना आएगा 1/3। तो इसी तरीके से हम u को ज्ञात कर लेंगे, तो u को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले समीकरण हमारा था 1 नंबर उसी में हमें मान रखने हैं, किसी से भी कर सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 से भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1 में जहाँ पर संख्याएं छोटी है उससे कीजिए आसानी से होगा। तो v यहाँ पर हम मान रख देते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 1 है, तो यहाँ आपको लिखना है समीकरण 1 में v का मान रखने पर, तो यहाँ पर है हमारे पास 2u + 3v, तो यहाँ पर देखिए +3v का मान कितना है 1/3 है, और बराबर में कितना चल रहा है 2 चल रहा है, तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, ये इससे कटेगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 2u, यहाँ पर ये इससे कट गया, 1 बचा, तो +1 बराबर कितना है 2, 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2u = 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का उधर जाने पर माइनस का होगा, तो 2u = किसके होगा 1 के, और u का मान अगर हम देखें तो 1/2 इसके बटे में जाएगा, तो 1/2, तो यहां से हमने मान ज्ञात कर लिए, v 1/3 आ रहा है, u हमारा कितना आ रहा है 1/2। अब यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं, यहाँ पर हमें यहीं तक नहीं करना है, तो यहाँ पर देखिए v हमने किसे माना था, v हमने माना था दोस्तों 1/√y को, और u हमने माना था 1/√x को, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे u = 1/√x हमने माना था, u का मान हमारे पास आया 1/2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/√x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √x का गुणा 1 से होगा, तो ये हो जाएगा √x, ठीक है, और यहाँ पर 2 का गुणा इससे होगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर दोस्तों ये जो मान आया है √x का आया है, लेकिन हमें x का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं,
तो यहाँ पर से स्क्वेयर हम करेंगे तो केवल x बचेगा, क्योंकि रूट एक्स गुना होकर x हो जाएगा, जो बीच वाली संख्या वही आएगी, और इसका अगर स्क्वेयर करेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ पर y का मान ज्ञात करेंगे। y के लिए हमने v माना था, तो यहाँ पर ऊपर में लिख रहा हूँ, v बराबर हमने लिखा था 1/√y। तो v का मान हमारे पास कितना आया, 1/3 आया, तो 1/3 इस लिखेंगे और 1/√y लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं कभी स्क्वेयर रूट बोल रहा हूँ, कभी रूट बोल रहा हूँ, तो एक ही चीज है, आपको एक ही समझना है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वेयर रूट वाई बराबर 3 होगा, यहाँ पर भी दोनों तरफ वर्ग करना होगा, आपको पूरा लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो वाई बराबर कितना आएगा, 9। तो एक्स का मान हमारे पास 4 आया, वाई का कितना आया, 9। इस तरीके से इसका मेथड है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। पर जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें हमें थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज दिया गया है। किस प्रकार से देखिए, 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1/x तो हमें दिया गया, लेकिन 1/y हमें नहीं दिया गया है, यहाँ पर सीधा रेखीय समीकरण में ही चेंज किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप से होंगे, यहाँ पर हमें समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना है कि किसके लिए मान रखना है, किसके लिए नहीं रखना है। तो जब आपको चर जो वेरिएबल है बटे में दिया जाता है, तभी उसका मान चेंज करना है। तो यहाँ पर केवल हमें किसकी आवश्यकता है, 1/x को चेंज करने की आवश्यकता है। तो 1/x को आप u या v रख लीजिए, तो मैं यहाँ पर v रख लेता हूं। तो यहाँ पर केवल आपको 1/x को ही चेंज करना है, क्योंकि यही फ्रैक्शन में दिया गया है। y है जो यहाँ पर किसमें है, रैखिक समीकरण में है। तो यहाँ पर देखिए 1/x = v प्रतिस्थापित करने पर, तो सीधा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए केवल 1/x की जगह हम v लिखेंगे, y को है जैसा था जैसा रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/x की जगह हमने v लिखा, तो 4v हो गया +3y = 14 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 1/x की जगह v रखेंगे, तो 3v - 4y = हो जाएंगे 23। तो ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही तरीका हमें लगाना है कि यहाँ पर v वाले पदों को हम एक जैसा कर लेते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ पर देखिए किससे गुणा कराना होगा, 4 के नजदीक हम देखें तो 4 × 2 = 8 होता है, 4 × 3 = 12 होता है, तो 12 नजदीक है, और 3 के फाड़े में भी 12 आते हैं, यानी कि अगर 3 को हम 4 से गुणा कराएं तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले समीकरण को हम 3 से गुणा करा देते हैं, दूसरे समीकरण को हम 4 से गुणा करा देते हैं, अगर हम विलोपन विधि से कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो आपको पूरा लिखना है समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा कराने पर। 3 से जब गुणा कराएंगे तो ये होगा 12v, 3y का गुणा 3 से कराएंगे 9y हो जाएगा, 14 का गुणा 3 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 42। तो यहाँ पर आप समीकरण लगा भी सकते हैं, जैसे 3 नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखिए इसका 4 का गुणा 3 से कराएंगे 12v होगा, क्योंकि हमने इनको इक्वल करने के लिए गुणा कराया है। 4 का गुणा -4 से तो -16y होगा, और 4 का गुणा 23 से हम कराएंगे, ये हो जाएंगे 92। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 समीकरण में v के पद हमने इक्वल कर दिए हैं, तो इससे y का मान हमारे पास निकल के आएगा, उससे हम v का मान ज्ञात कर लेंगे और बाद में x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए घटाना किस तरीके से होगा, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को हम घटाएंगे, तो पूरा आपको लिखना है समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसा कि पहले मैंने बता दिया है। तो समीकरण 4 ये लिखा हुआ है, 3 इसके नीचे में लिख देता हूँ, तो 12v प्लस यहाँ पर 9y और बराबर में मैं लिखूंगा 42। अब यहाँ पर घटाना है तो चिन्ह चेंज करने होंगे, तो सभी के चिन्ह मैंने चेंज कर दिए, 12v से 12v कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 16y और 9y दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पर 16 में 9 में ऐड करना होगा, तो माइनस का आएगा कितना, माइनस के आ जाएंगे 25। और यहाँ पर साथ में y है, अब यहाँ पर देखिए 92 है जो प्लस के हैं, 42 है माइनस के, कटेंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 50 जो यहाँ पर किसके हैं, प्लस के हैं। अब यहाँ पर दोस्तों y का मान देखिए कितना आएगा, माइनस के 25 है, तो 50/-25 और 25 का भाग 50 में 2 बार जाएगा, माइनस का चिन्ह है साथ में आएगा, यानी कि y बराबर कितना आ रहा है, -2 आ रहे हैं। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, और x के लिए हमने क्या माना था दोस्तों, 1/x = v हमने रखा था, तो पहले हमें v का मान ज्ञात करना होगा, उससे हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में अगर हम y का मान रख देते हैं तो v हमारे पास आ जाएगा। समीकरण 1 देखिए क्या है, 4v + 3y = 14 है, यहाँ पर y का मान हमें ज्ञात है कितना है, -2 है, तो y का मान लगा देते हैं, तो देखिए 4v + 3 × -2 और बराबर 14। 3 × 2 से कराएंगे -6, -6 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो 4v = 14 + 6 हो जाएगा, 4v = कितना आएगा, 14 और 6 = 20 होंगे, और v का अगर मान देखें तो 20/4 यानी कि v का मान कितना आ जाएगा, 5। तो v = हमारा 5 आया है। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 1/x को हमने v माना है, तो 1/x
बराबर भी यानी कि एक बटे एक्स बराबर पांच और पांच का गुणा एक्स यानी कि पांच एक्स बराबर एक और एक्स का मान कितना आ जाएगा एक बटे पांच। तो इस प्रकार से ये इसका मेथड चलने वाला है। जब आपको आवश्यकता नहीं है वाई के लिए मानने की तो नहीं मानना है, अगर बटे में दिया रहता है तभी हमें उसे रेखिक समीकरण में बदलना है। इस वीडियो में हमने इसके तीन क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, बाकी के जितने भी इसके पहले क्वेश्चन के पॉइंट हैं वो हम आगे के वीडियो में सोल्व करेंगे। इतने इसके वीडियो बनते हैं, 22 वीडियोस हम इसके अपलोड कर चुके हैं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों आपको जितने भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सारे देखने को मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।